नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं बात करूंगा कि जी ओमान में क्या होने वाला है। ओमान में बहुत सारे जगहों पे जो कि खारजी लोग का वीजा था वो अप्लाई हो चुका है, या बहुत सारे लोगों का जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है। जी हाँ, वीजा के विषय में बहुत सारे पदों पे जो खारजी लोग रहते थे उनकी जगह पे अभी ओमानी लोग रखे जाएंगे। नया बदलाव जो 2020-19 जो कि दोनों कानूनों को अभी पास किया गया, मंगलवार को एक मीटिंग हुई थी जिसने ओमान की स्वास्थ्य बहुत काफी इम्पोर्टेंट भी जो आप सभी के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले एक बड़ी अपडेट दे दें कि अलखोद, जी हाँ अलखोद में एक व्यक्ति काम कर रहा था, उसके बाद खुदाई का काम कर रहा था, उसके बाद कुछ वहाँ पे भूस्खलन हुआ जिसकी वजह से वो व्यक्ति उसके अंदर दब गया, लेकिन उसके बाद में उसको राहत कर्मी ने जो कि राहत और स्वास्थ्य कर्मियों ने उसको जिंदा बचाया, जो कि काफी जबरदस्त है क्योंकि लगातार ये बहुत सारी जगह पे भूस्खलन का शिकार होते रहे, बहुत ज्यादा आदमी लोग शिकार होते रहे। अब बात करें वो पूरी तरह से अब स्वस्थ हो चुके हैं, उनको राहत टीम ने उनको एम्बुलेंस ने उनका उपचार कर ले जाके अस्पताल में भर्ती किया, पूरी तरह से स्वस्थ। अब बात करते हैं वीजा, जैसे आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक मीटिंग की थी उसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जो खारजी लोग को तो सबसे ज्यादा ये मुसीबत का फैसला लिया, खासकर इसमें जो नया वीजा निकलने वाला था या बहुत सारे पुराने वीजे वाले भी थे कि जो लोग अपना काम कर रहे थे वो अपना नौकरी अब हो सकता है गवा सकते हैं, क्योंकि ओमान की सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बात करें तो ओमान की डॉक्टर में, जी हाँ डॉक्टर हो गई, नर्स हो गई, जो बहुत सारे पदों पे अब लोग जो खारजी लोग रहते थे पहले, अब उनकी जगहों पे ओमानी लोगों का भर्ती किया जाएगा। तो कौन से जो कौन कौन सा चीज है जिसपे अब ओमानी भर्ती होंगे, सबसे पहले बात करें तो इसमें जैसे कोई तकनीकी डॉक्टर रह गए होते हैं वो लोग इस पे भर्ती किए जाएंगे, पहले खारजी लोग रहते थे उनको बाहर निकाला जाएगा, ये हो गया। उसके बाद बात करें तो तकनीकी चौक, उसके बाद डॉक्टर हो गए जो बहुत सारे वैसे भी डॉक्टर होते हैं इंजेक्शन या और वैसे डॉक्टरों की पदों पे या पद सहायक जो होते हैं छोटे डॉक्टर उनको उनकी जगह पे भी ओमानी फिजियोथेरेपी जो होते हैं उनके जो वो भी ओमानी तकनीकी वाले रहेंगी, तकनीकी जैसे बहुत सारा लोग तकनीकी का काम होता है उसमें भी डॉक्टरी के सिस्टम में तो उनके जो वो भी ओमानी ही रहेंगे। बात करें नर्सिंग, जी हाँ नर्स भी ओमानी रहेंगी, पेशे से जो कि फार्मेसी हो गया, फार्मेसी का भी ओमानी को अलाउ किया गया है, जो कि आपको बता दें इसमें एक्सरे सिस्टम फार्मेसी एक्सरे टेक्निक को भी ओमानी, सभी जगहों पे ओमानी को भर्ती किया जाएगा, जो कि आने वाले वक्तों में ऐलान किया गया है, आने वाले वक्तों में इसका काम भी शुरू किया जाएगा। और जैसे पहले खारजी लोग थे तो उनको हो सकता है उनको उनकी जगह पे ये ओमानी लोग को पूरी तरह से उनके जगह पे कब्जित किए, क्योंकि लगातार बहुत सारे ओमानी बेरोजगार घूम रहे थे, इसकी वजह से ओमान में अभी क्योंकि बहुत सारे जो बीमारी चल रही है उसकी वजह से भी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं उनकी वजह से लगातार यहाँ पे भी हर एक पूरे गल्फ कंट्री में बात करें तो आने वाले वक्तों में हो सकता है सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान को होने वाला, बहुत सारे जॉब उनसे छीन सकते हैं, उन्हीं के देशों में जब जॉब नहीं उपलब्ध हो रही तो ये तो मिडिल ईस्ट है, दूसरे का देश है, ये मिडिल ईस्ट है अरब देश है, यहाँ पे दूसरे का देश है, यहाँ भी जॉब लाजी में जाएगी, संकट की घड़ी तो सब पे, क्योंकि ये जो महामारी की वजह से लगातार लॉकडाउन चल रहा है इसमें अभी मालूम नहीं कितना टाइम ये महामारी रहेगा, मालूम नहीं है एक महीना रहेगा दो महीना रहेगा, बहुत सारे देशों में तो अभी बिल्कुल ही नहीं सुधार, इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो लॉकडाउन को बढ़ाया गया, हो सकता है अभी 17 तक ले जाया गया, हो सकता है इसको 1 जून ले जाया जाएगा। इसी तरह ओमान की बात करें तो ओमान में अभी तक लॉकडाउन तो 8 मई तक है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये खुलता है या नहीं खुलता है अभी इस पे कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं। दुबई की बात करें तो दुबई में सेम है, दुबई में भी सेम है, क्योंकि दुबई में भी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे शहरों हल्के थोड़ा बहुत जिस तरह ओमान में थोड़ा बहुत छूट दी गई उसी तरह वहां पे भी थोड़ा बहुत छूट दिया जा रहा है, लेकिन अभी फुल लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा इसकी गारंटी अभी कोई नहीं ले सकता है, जो कि आने वाले वक्तों में काफी भारी नुकसान होने वाला है खारजी लोगों को। एक तो कोरोना वायरस ये मार रहा है लोगों को, आदमी लोग को, उसके बाद लगातार जॉब का उनका जॉब भी खतरे में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इस समय बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, तो इन सब जगहों पे ओमानी लोग को भर्ती किया जाएगा। और हो सकता है जो खारजी लोग पहले खारजी लोग के लिए अलाउ रहता था लेकिन अब उनकी जगह पे ओमानी लोग आएंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।